मैं पवन कुमार यादव, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, कक्षा 12 हेतु रसायन विज्ञान के अध्याय 4 रासायनिक बलगतिकी पर अध्ययन के लिए आप सभी के बीच प्रस्तुत हूँ। इस अध्याय को दो भागों में बांटा गया, भाग एक तथा भाग दो। भाग एक में हमने अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोट तक अध्ययन किया। भाग दो में जिन टॉपिक्स का अध्ययन करना है वे इस प्रकार हैं: शून्य कोटि की अभिक्रिया एवं समाकलित वेग समीकरण, प्रथम कोटि की अभिक्रिया एवं समाकलित वेग समीकरण, अर्ध आयुकाल, आभासी आणविक अभिक्रियाएं, संघटकवाद एवं सक्रिय ऊर्जा। इस शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया को जानने से पहले हम एक क्विक रिवीजन करते हैं अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि का। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि अभिक्रिया की आणविकता किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को व्यक्त करती है, अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या उस अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है, जबकि कोटि वह संख्या है जो अभिकारक अणुओं की संख्या में जिसका रासायनिक अभिक्रिया की प्रगति में परिवर्तन होता है अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। इस प्रकार हम अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर कर सकते हैं। एक तरफ हम लिख दें आणविकता और एक ओर लिख दें हम कोटि, या लिख दें कोटि। तो आणविकता और कोटि में हम बड़े ही सरलता के साथ अध्ययन कर सकते हैं कि पहला पॉइंट आणविकता की परिभाषा और इसमें पहला पॉइंट हम लिखेंगे कोटि की परिभाषा। आणविकता की परिभाषा क्या है कि भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या उस अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। कोटि किसी रासायनिक अभिक्रिया की प्रगति में जिन अभिकारक अणुओं की सांद्रता में परिवर्तन होता है उनकी संख्या अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। सेकेंड पॉइंट हम लिखेंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता कभी शून्य, ऋणात्मक, भिन्नात्मक नहीं हो सकती, जबकि इधर लिखेंगे कि कोटि शून्य, ऋणात्मक और भिन्नात्मक हो सकती है, भिन्नात्मक हो सकती है। अभिक्रिया की कोटि में हमने जाना कि जब किसी अभिक्रिया में किसी भी अभिकारक की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता तो उस अभिक्रिया की कोटि शून्य होती है, उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। अतः शून्य कोटि की अभिक्रिया इस प्रकार परिभाषित की जाती है कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी भी अभिकारक की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। इसके लिए वेग नियम इसलिए इस प्रकार लिखा जाता है कि dx अपॉन dt प्रोपोर्शनल टू a पे पावर 0। यहां a अभिकारक है, इस a को r भी मान सकते हैं, a भी मान सकते हैं। मान लो अभिक्रिया कोई है a इक्वल टू प्रोडक्ट, तो हम लिख देंगे dx बटे dt समानुपाती a पे पावर 0। इस 0 ये कहां से आ गया, क्योंकि हमने पहले आपको बताया था कि हमारा वेग व्यंजक क्या था, वेग व्यंजक हमारा था, इसको समझने फिर से, dx बटे dt प्रोपोर्शनल टू r पे पावर n, n बराबर 0 रख दिया हमने तो शून्य कोटि की अभिक्रिया। इस प्रकार हमने जाना कि किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग व्यंजक बनता है, वेग का नियम बनता है dx बटे dt समानुपाती है पावर 0। ऐसी अभिक्रियाएं शून्य कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब हम देखते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। समाकलित वेग समीकरण के लिए मैं एक रिएक्शन और मान लेता हूं, एक ही जगह अब r मान लूंगा कि r इक्वल टू प्रोडक्ट। बात एक ही है, क्या मान लिया, r इक्वल टू प्रोडक्ट। माना कोई अभिक्रिया इस प्रकार है कि r इक्वल टू प्रोडक्ट। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए हम क्या लिखेंगे, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ r बटे dt। ये क्या है, ये हमारा है अभिक्रिया का वेग r के सापेक्ष, अभिकारक r के सापेक्ष अभिक्रिया का वेग ऋण dr / dt जो हम पहले से लिखते रहे। यह इक्वल टू किसके लिखेंगे, यहां समानुपाती के स्थान पर k और शक्ति द्रव्यमान r का यानी सांद्रता r की और उस पर पावर 0। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। x पर पावर 0 इक्वल टू 1, तो हम लिख देंगे माइनस डी आर अपॉन dt बराबर k।
आर का मान वन हो गया। यहां से हम लोग पक्षांतर कर दें तो आ जाएगा डी आर इक्वल टू के इंटू डी टी। इसको हमने कर दिया समीकरण एक। समीकरण एक करने से पहले हम अगर देखें कि टी बराबर जीरो पर ये मान और लिख लें, आर की वैल्यू यदि आर नॉट है तो प्रोडक्ट जीरो है, टी टाइम पर इस आर की वैल्यू आर हो गई, कितनी हो गई आर, तो इसकी वैल्यू हो गई आर नॉट माइनस आर। यदि इसकी वैल्यू को हम ए मान लें और इसकी इस मान को हम एक्स मान लें तो ये वैल्यू हो जाएगी ए माइनस एक्स। ये चार्ट हमें ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, समीकरण एक का समाकलन कर दें। समीकरण एक का क्या कर दें, समाकलन कर दें। तो कैसे करेंगे, माइनस डी आर बराबर के बाहर आ जाता है और डी टी इसकी वैल्यू आ जाती है माइनस आर समाकलन करने पर बराबर के और टी मल्टीप्लाई प्लस सी। यहां सी एक इंटीग्रल कांस्टेंट है जिसे हम सी को समाकलन स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं, समाकलन स्थिरांक कहते हैं। आगे देखते हैं, इसको हमने कर दिया समीकरण नंबर दो, एक था इसको कर दिया दो नंबर। समीकरण दो से हम आगे चलते हैं और समीकरण दो में हम इन वैल्यूज को रखते हैं। कैसे कि t बराबर जीरो पर देखें क्या है, जो सांद्रता है r की यानी पदार्थ की अवकारक की जो सांद्रता है वो है r नॉट। तो हम लिखेंगे सांद्रता बराबर, यानी सांद्रता r बराबर कितनी है r नॉट है और टाइम t जीरो है। ये दोनों वैल्यू समीकरण दो में रखते हैं तो क्या होगा, इस माइनस आर के स्थान पर हमारा आ जाएगा आर नॉट इक्वल टू टी के स्थान पर रखा जाएगा जीरो, तो के इंटू जीरो और प्लस सी। तो ये माइनस आर नॉट इक्वल टू आ गई सी, ये सी की वैल्यू आ गई। इस सी का मान पुनः समीकरण दो में रखने पर तो सी का मान समीकरण दो में रखने पर क्या होगा, समीकरण तो देखें माइनस आर इक्वल टू के टी प्लस, तो माइनस आ जाएगा क्योंकि ये वैल्यू माइनस की है, माइनस आर कंसेंट्रेशन नॉट। पक्षांतर कर दें तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो आर नॉट माइनस आर इक्वल टू के टी, हमने कहा था इसको ध्यान रखेंगे कि आर नॉट माइनस आर इक्वल टू एक्स, क्या है एक्स, तो एक्स बराबर हो गया के टी, यहां से के बराबर हो गया एक्स अपॉन टी, यानी अवकारक के खर्च होने की मात्रा यानी व्युजन की मात्रा बटे समय बराबर आ गया दर स्थिरांक के। ये हमारा समीकरण तैयार हो गया। इसी प्रकार अब हम देखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। या देखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया देखेंगे और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण देखेंगे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होगी, वह अभिक्रिया जिसकी प्रगति में किसी अवकारक के एक अणु की सांद्रता में परिवर्तन होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसके दौरान किसी एक अवकारक की सांद्रता में परिवर्तन होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया में या इस अभिक्रिया के लिए लिखे गए वेग नियम में किसी एक अभिकारक की सांद्रता में ही परिवर्तन होता है। तो वे अभिक्रिया जिनकी प्रगति में केवल एक अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन होता है और उनका वेग अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इनके लिए वेग व्यंजक क्या लिखा जाता है, dx / dt proportional to a, नहीं ए तक जीरो हट गया ए रह गया, कब अगर हम मान लें ए इक्वल टू प्रोडक्ट, तो जो पदार्थ लिया अवकारक उसकी सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है। वेग किसके समानुपाती, अवकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है। यदि हम इस
इसका समाकलित वेग समीकरण निकालें। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, तो हमने अभिक्रिया मान ली की बार आर ले लेते हैं, क्योंकि आर के स्टेप में निकालेंगे आर इक्वल टू प्रोडक्ट, आर इक्वल टू प्रोडक्ट, आर इक्वल टू प्रोडक्ट जो हम करते हैं तो उसी तरह से हम टी टाइम जीरो पर इसकी वैल्यू करेंगे। इसकी प्रारंभिक सांद्रता हमने मान लिया आर नॉट और टी पर सांद्रता हमने इसकी मान ली आर, कितनी मान ली आर, प्रारंभिक सांद्रता बराबर ए मान ली और यहां देखते हैं कितना आएगा, यहां जीरो, ये हो गया आर नॉट माइनस आर और इसकी वैल्यू वियोजन की मात्रा एक्स, तो ये हो गया ए माइनस एक्स। इस प्रकार हमने इसको मान करके रख दिया। अब हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग नियम को इस आर के सापेक्ष लिखेंगे, तो माइनस डी आर अपॉन डी टी बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ आर पे पावर वन, जो एन का मान था वो वन हो गया, वन की कोई वैल्यू नहीं तो हटा दिया। अब हम आगे करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस डी आर, आर को इधर ले लिया, आर बराबर के इन टू डी टी, समाकलन करने पर माइनस निशान बाहर आ गया तो डी आर बटे आर बराबर के और टी टी, जब इसका समाकलन करेंगे तो यहां आएगा माइनस एल एन आर, इसका इसके लिए आएगा बराबर के टी प्लस सी, सी वही समाकलन स्थिरांक है। अब हम देखते हैं समीकरण नंबर, इसको कर दिया था एक और इसको कर दिया दो, उसी प्रकार सी का मान फिर निकालेंगे जैसा शून्य कोटि की अभिक्रिया में किया था। कैसे निकालेंगे, इस टाइम पर टी बराबर जीरो पर आर इक्वल टू है आर नॉट, कितनी है आर नॉट ये, तो इसलिए हम माइनस एल एन आर बराबर इसे समीकरण दो में टी की वैल्यू रखेंगे, आर की वैल्यू रखेंगे आर नॉट और टी की वैल्यू रखेंगे जीरो, तो के इंटू जीरो प्लस सी, तो सी का मान आ जाएगा माइनस एल एन आर नॉट। इस वैल्यू को हम समीकरण दो में रखते हैं तो सी का मान समीकरण दो में रखना, रखने पर क्या करेंगे तो लिखेंगे माइनस एल एन आर बराबर के और टी प्लस, ये माइनस एन एन आ रहा है तो यहां माइनस एन एन आर नॉट। अब हम लॉग के एल एन पक्ष को इस आर के पक्ष को एक साइड मिलें तो आ जाएगा एन एन आर नॉट माइनस एन एन आर इक्वल टू के टी, पक्ष बदलने पर पुनर्विन्यासित करने पर के टी इक्वल टू एन एन आर नॉट ऊपर और आर नीचे आ जाएगा तो कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ आर, प्रारंभिक सांद्रता बटे अंतिम सांद्रता। हम जानते हैं कि इस एन एन को लॉग में बदलने के लिए 2.303 का गुणा करना पड़ता है, तो ये हो गया लॉग आधा टेन और कितना 2.303 का गुणा, तो 2.303 आगे लगा दिया 2.303 इसका गुणा हो जाता है और अब हो गया आर नॉट अपॉन आर। टी को पक्षांतर करेंगे, लिखेंगे के बराबर 1 अपॉन टी मल्टीप्लाई बाय 2.303 मल्टीप्लाई बाय लॉग आधा टेन कंसंट्रेशन आर नॉट अपॉन आर। यहां से हम इनकी वैल्यू रखते हैं दोनों की, आर की वैल्यू कितनी है ए माइनस एक्स, आर नॉट की वैल्यू ए, तो हम लिखेंगे के बराबर 2.303 बटे टी लॉग आधा टेन, आर नॉट के स्थान पर आ गया ए और आर के स्थान पर आ गया ए माइनस एक्स। इस प्रकार हमने
प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k का व्यंजक प्राप्त किया, k equal to 2.303 upon t log आधार tan a upon a minus x। अब हम देखते हैं अर्धायु। अर्धायु एक समय है, वह समय जिसमें कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है, अर्धायु काल कहलाता है। वह समय जिसमें कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है, अर्धायु काल कहलाता है। इसे टी हाफ से प्रकट करते हैं। इस हाफ का कोई मैथमेटिकल मान नहीं होता, बल्कि यह केवल एक साइन है, सफिक्स लगा के प्रकट करते हैं, चिन्ह है, इस टी हाफ से इसको प्रकट करते हैं। अब देखिए इस समीकरण में समय टी को टी हाफ रख दें तो ए माइनस एक्स की वैल्यू हो जाएगी ए बाई टू। क्यों? क्योंकि अंतिम मात्रा कितनी रह गई? आधी। तो हम क्या करेंगे, टी बराबर टी हाफ तथा ए माइनस एक्स बराबर ए वाई टू रखने पर, यदि तो के बराबर क्या हो जाएगा, 2.303 बटे टी हाफ लॉग आधार टेन ए अपॉन ए वाई टू। ये वैल्यू आगे आके आएगी के बराबर 2.303 बटे टी हाफ लॉग आधार टेन दो, इसे कैंसिल हो जाएगा। लॉग दो का मान 0.3010 मल्टीप्लाई करेंगे 2.303 में तो आएगा 0.6932 बटे टी हाफ। यदि किसी पदार्थ के अर्धायु काल दिया गया हो टी हाफ तो वेग स्थिरांक और अर्धायु में संबंध होता है कि k equal to 0.6932 upon t half। यह प्रथम कोट के लिए होता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसके लिए होता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, अब हम देखते हैं आगे आवासीय आणविक अभिक्रियाएं। क्या देखते हैं? आवासीय आणविक अभिक्रियाएं, ये वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनकी आणविकता और कोट में अंतर होता है, उनकी आणविकता और उनकी कोट समान नहीं होती, जो उन्हें हम आवासीय एकाणुक अभिक्रियाएं कहते हैं। इन्हें अंग्रेजी में स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस या हिंदी में छदम आणविक अभिक्रियाएं भी कहते हैं। आवासीय एकाणुक अभिक्रियाएं इंपॉर्टेंट भी हैं, आवासीय आणविक अभिक्रियाएं। देखते हैं कैसे। अगर हम देखें CH3 COO C2H5 प्लस H2O इक्वल टू H प्लस ऊपर लेते हैं सांद्रता, H प्लस कंसंट्रेशन लेते हैं तो बनता है CH3 COO H प्लस C2H5OH। इसके लिए जब हम वेग व्यंजक लिखते हैं, वेग नियम लिखते हैं dx बटे dt तो बराबर आता है k कंसंट्रेशन ऑफ इस अवकारक के, तो CH3 COO C2H5 और आना तो चाहिए H2। द्रव्यमानुपाती क्रिया का नियम कहता है कि दोनों अवकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है वेग, उस आधार पर दोनों को होना चाहिए, लेकिन केवल एक ही आता है तो इसका आशय क्या हुआ कि इस पर लगा देते हैं 0, अर्थात इस H2O की सांद्रता पर यह वेग निर्भर नहीं करता, केवल एक पर ही निर्भर करता है। अतः इसकी आणविकता तो स्पष्ट रूप से प्रकट हो रही है कि आणविकता बराबर 2, लेकिन इसकी कोट जो व्यंजक प्रयोगों द्वारा निर्धारित हुआ है जिसमें H2O की सांद्रता स्थिर है, कैसी है, कंसंट्रेशन ऑफ H2O कांस्टेंट है, तो आणविकता 2 और कोट इसकी 1 हो जाती है, जो महसूस हो रही थी कि 2 है। इस प्रकार की अभिक्रियाओं को आवासीय एकाणुक अभिक्रियाएं कहते हैं। हम लोग देखते हैं टक्कर का सिद्धांत, जिसकी चर्चा हम पूर्व में भी कर चुके हैं कि संगतवाद का सिद्धांत, आर्हेनियस ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत की प्रमुख अवधारणा निम्नलिखित है कि रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए दो अणुओं का परस्पर टकराना आवश्यक है। सभी टक्करों के फलस्वरूप अभिक्रिया नहीं होती,
बल्कि जिन टक्करों के फलस्वरूप अभिक्रिया होती है उन्हें प्रभावी टक्कर कहते हैं। प्रभावी टक्करों से प्राप्त अणु सक्रिय होते हैं। कैसे होते हैं? सक्रिय हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। इनकी ऊर्जा एक निश्चित ऊर्जा तल के बराबर होती है। इस ऊर्जा तल को दहली ऊर्जा कहते हैं। सभी अवकारकों को यह दहली ऊर्जा प्राप्त करनी पड़ती है, दहली ऊर्जा तक पहुंचना पड़ता है। कब वो पहुंच पाते हैं? पहले अवकारक मध्यवर्ती बनाते हैं सक्रिय संकर, फिर सक्रिय संकर बनाने के लिए उन्हें अपनी जो स्थितिज ऊर्जा है उसमें सक्रिय ऊर्जा के बराबर ऊर्जा प्राप्त करनी पड़ती है, तब वे दहली ऊर्जा तक पहुंच पाते हैं। अब इसका मतलब सक्रिय ऊर्जा बराबर है दहली ऊर्जा माइनस अवकारक में उपस्थित टक्कर से पूर्व स्थितिज ऊर्जा। प्रत्येक अवकारक की अणु की कुछ स्थितिज ऊर्जा होती है, उस स्थितिज ऊर्जा को उसे और अधिक ऊंचाई तक ले जाना होता है ताकि वो प्रोडक्ट बना सके, उत्पाद बना सके। जितनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है अभिकृत होने के लिए, उत्पाद बनाने के लिए, उसे सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। दहली ऊर्जा, सक्रिय ऊर्जा और अवकारक की स्थितिज ऊर्जा का योग होती है, अतः सक्रिय ऊर्जा बराबर दहली ऊर्जा माइनस अवकारक की टक्कर से पूर्व स्थितिज ऊर्जा। संगतवाद समीकरण क्या है इसको याद रखेंगे, के बराबर और टी प्रमथान है। अब हम देखते हैं सक्रिय ऊर्जा, जिसकी चर्चा हम यहां कर चुके हैं। सक्रिय ऊर्जा कौन सी है कि अवकारक अणु अभिक्रिया के दौरान पहले सक्रिय संकर बनाते हैं। सक्रिय संकर बनाने के लिए अवकारक अणु अपनी स्थितिज ऊर्जा से ऊपर एक निश्चित ऊर्जा तक अपनी ऊर्जा को बढ़ाते हैं, प्राप्त करते हैं। इस अतिरिक्त ऊर्जा को सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। इसको इस प्रकार समझें कि अवकारकों के मध्य प्रभावी टक्करों से अभिक्रिया होती है। जब अवकारक मध्यवर्ती बनाते हैं और मध्यवर्ती अल्प समय के लिए अस्तित्व में रहता है, फिर शीघ्र ही उत्पाद में बदल जाता है। मध्यवर्ती के निर्माण हेतु आवश्यक ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। सक्रिय ऊर्जा को हम लोग कैसे समझ सकते हैं, देखिए बड़ा डायग्राम के द्वारा, ग्राफ के द्वारा समझेंगे। मान लो एक अभिक्रिया है H2+I2=2HI। ये 2HI सीधे सीधे नहीं बनते, बल्कि इसको देखें बॉन्डिंग के हिसाब से H सिंगल बॉन्ड H प्लस आई और ये सिंगल बॉन्ड आई, यह H2 यह I2 इक्वल टू, यह बॉन्ड पहले टूटता है तो H सिंगल बॉन्ड जो था वो डॉटेड बॉन्ड हो गया, और यह H का बॉन्ड टूट करके यह H I से बॉन्ड बनाने लगता है और I के परस्पर बॉन्ड भी टूटते हैं, तो ये नए बॉन्ड डॉटेड बन रहे हैं जो हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल वाले टूट रहे हैं। ये बन गया हमारा मध्यवर्ती। क्या बन गया? मध्यवर्ती। तो अभिकारक अणु से मध्यवर्ती को बनाने हेतु जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे सक्रिय ऊर्जा EA कहते हैं। क्या कहते हैं? EA कहते हैं। फिर ये वाले बॉन्ड बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं, ये वाले बॉन्ड भी समाप्त हो जाते हैं, ये बॉन्ड बन जाते हैं, तो बन गया H सिंगल बॉन्ड I और H सिंगल बॉन्ड I, ये दो हो गए एक और एक दो, दैट इज 2HI। इस प्रकार उत्पाद बनते हैं। अब हम सक्रिय ऊर्जा को ग्राफ की सहायता से भी समझ लेते हैं। अगर हम ऊर्जा और अभिक्रिया निर्देशांक के बीच ग्राफ बनाएं, ये हमारी ऊर्जा है E और ये है अभिक्रिया अभिक्रिया निर्देशांक, अभिक्रिया की प्रगति, इसे भी समझ सकते हैं। दूसरा एक और बनाते हैं, इसमें भी ये हमारी ऊर्जा E और ये हमारा अभिक्रिया निर्देशांक, अभिक्रिया की प्रगति। इसमें समझिए कि R से समझिए रिएक्टेंस, मान लो कोई अभिकारक है और वो अभिकारक यदि यहां पे है R, अब अभिकारक को उत्पाद बनाना है और उत्पाद की ऊर्जा यहां पर है P, अभिकारक की स्थितिज ऊर्जा के बाद यह अभिकारक अपनी ऊर्जा को बढ़ाएगा और बढ़ाने के बाद
पुनः उत्पाद बना देगा, और जब उत्पाद बनाएगा तो अपनी ऊर्जा को कम कर देगा। कैसा कर लेगा? कम कर लेगा। इस समय उसने हमें देखना यह है कि जो अभिकारक है और जो उत्पाद है ये, इसके बीच में जो ऊर्जा का अंतर है, अभिकारक से उत्पाद की ऊर्जा और कम है, अर्थात अभिकारक ने ऊर्जा प्राप्त करने के बाद कुछ ऊर्जा अपनी और निकाली तब प्रोडक्ट बन पाया। तो इससे इस दूरी में या इस ऊर्जा को हम संकीर्ण ऊर्जा ईए कहते हैं, तथा जो ऊर्जा उसने निकाली उसे डेल्टा एच यानी एंथैल्पी परिवर्तन कहते हैं। क्रिया के दौरान ऊष्मा निकली या ऊष्मा लगी उसकी मात्रा कहते हैं। चूंकि यहाँ अभिकारक से उत्पाद बनने में ऊष्मा निकली है अतः इसका मान निगेटिव होता है और ये अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी कहलाती है। अब बनाते हैं ऊष्मा शोषी के लिए। ऊष्मा शोषी के लिए क्या करेंगे? इसी प्रकार से आर बनाएंगे। अब की बार प्रोडक्ट की ऊर्जा आर से ज्यादा रखेंगे, और अब हमने देखा कि आर में कुछ ऊर्जा प्राप्त की और प्रोडक्ट बनाते समय अपनी ऊर्जा में फिर से गिरावट की, किंतु आर से यह ऊर्जा अधिक है। इसका आशय हुआ कि अभिकारक ने ऊष्मा प्राप्त की है, अतः ये जो डिफरेंस है ये डेल्टा एच है, ऊष्मा का डिफरेंस ये पॉजिटिव आता है ऐसी स्थिति में, तो यहाँ ऊष्मा शोषी है क्योंकि अभिकारक ने ऊष्मा को शोषित किया है तब जाके उत्पाद बनाया है। और ये जो है कैसी ऊष्मा है? ये सक्रिय ऊर्जा हो गई। कैसी ऊर्जा हो गई? सक्रिय ऊर्जा हो गई। तो इसको कहते हैं सक्रिय ऊर्जा। गैप को जो अवकारक की यहाँ से यहाँ तक की, ये जो अवकारक ने प्राप्त की अपने यहाँ से, तो यहाँ से मानेंगे, यहाँ से नहीं मानेंगे क्योंकि ये प्रोडक्ट है, यहाँ से लेंगे, ये होगी सक्रिय ऊर्जा। इस प्रकार हमने आज टक्कर का सिद्धांत, सक्रिय ऊर्जा और अब रासायनिक बलविद्युत के विभिन्न टॉपिक्स का सैद्धांतिक पक्ष के रूप में अध्ययन किया। यह थ्योरी हमारी पूरी होती है। इस सैद्धांतिक पक्ष की सहायता से हम रासायनिक बलविद्युत के आंकिक प्रश्नों को हल कर सकेंगे और उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले 5 अंकों के प्रश्नों के उत्तर दे सकेंगे। थैंक्स। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद।